रांची के सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषण पर संसद में चिंता जताई है। स्वर्णरेखा नदी के प्रदूषित होने और उसे स्वच्छ रखने के मामले को सांसद संजय सेठ ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में मंगलवार को उठाया था। सदन में सांसद संजय सेठ ने स्वर्णरेखा नदी की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक महत्व का जिक्र करते हुए सरकार से इसे बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 474 किलोमीटर लंबी इस नदी को अगर समय रहते प्रदूषण से नहीं बचाया गया तो जल्द यह नदी एक नाला बनकर रह जाएगी। इसलिए सरकार से आग्रह उन्होंने किया है, केंद्र सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि स्वर्णरेखा नदी को बचाएं और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई भी करें। जीरो आवर की समय की मर्यादा, कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया। अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई, नदी के चट्टानों में उसकी जो सेलिंग है मांग रखी तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरे यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी उसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। स्वर्णरेखा पवित्र नदी निकलती है जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 474 किलोमीटर लंबी इस नदी जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन